मनरेगा कानून के तहत ग्रामीण क्षेत्र के सभी मजदूर परिवारों का जॉब कार्ड होना चाहिए, जिससे उनको 100 दिन का काम मिल सके। परंतु वहीं कौशाम्बी जिले के निजाममई गाँव में रहने वाले भोला सहित 5 लोगों का जॉब कार्ड न बनने से भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? हम लोग हैं सब मिला करके 8 आदमी हैं। आपके पास जमीन कितनी है? 10-20 है। तो परिवार का खर्च कैसे चलता है? खर्च का यहाँ मजदूरी करते हैं। तो क्या मजदूरी बराबर मिलती है? नहीं, कभी कभी मिलती, कभी कभी नहीं मिलती है। तो महीने में लगभग कितने दिन मिल जाती है? 10 दिन, 5 दिन, 6 दिन, पूरा तो खैर नहीं होता, न लिखाई न पढ़ाई कुछ कर पाते हम लोग। मनरेगा में आप काम क्यों नहीं करते हो? जॉब कार्ड है ही नहीं हमारे पास है। जॉब कार्ड बनवाने के लिए कुछ प्रयास किए हैं आप? हाँ, दिए हैं, फोटो दिए थे तो फोटो हिरवा दिया है। पैसा जब हम जॉब कार्ड मांगने गए हैं तो लोग जो है पैसे हमको 10 रुपए दे दिए हैं। किस बात के 10 रुपए दे दिए? कह रहे नहीं बन पाएगा। किसके पास आप गए थे? ये निजाम भाई अनूप जो बनाते हैं। अनूप कौन है? ये अरे गांव समाज के जो सब काम करते हैं वही लोग बनाते हैं, सब पूरे एरिया के नहीं। रोजगार सेवक हैं? हाँ, वही लोग। क्या उससे गुजारा हो जाता है? नहीं, गुजारा होते ही नहीं उसमें। यदि जॉब कार्ड आपका बन जाता तो क्या होता फिर? अरे उसमें तो बहुत काम हो जाता, पैसे मिलते हैं, कुछ लड़के बच्चों को 2-1 पढ़ाई देते हैं, लिखाई देते हैं। आपके आपके परिवार में कुल कितने लोग हैं? 8 लोग। परिवार का खर्च कैसे चलाती हैं? जॉब कार्ड नहीं आए तो मजदूरी करें। मजदूरी में कितना पैसा मिलता है? 50 रुपये। तो जॉब कार्ड बनवाने के लिए आप कभी प्रयास किए हैं? हाँ। प्रधान ने क्या कहा? कहते हैं कि बन जाएगा, बनते बनते अबे इतने साल हो गए तो क्या करें। हाँ, हम पढ़े लिखे तो वही नहीं कि हुआ जाए। मैं चाहता हूँ कि इन सभी मजदूर परिवार के लोगों का जॉब कार्ड बने, जिससे इनकी समस्या दूर हो सके। इसके लिए कड़ा ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 94-54-46-45-75 पर कॉल कर देखने वाले सभी दर्शक हमारी मदद करें। मैं महेश कुमार, कड़ा कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश से, इंडिया अनहर्ड के लिए।